अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें। सारण में 125,000 दीपों से 9 वर्ष का होगा स्वागत। रामनवमी के पर्व से 9 वर्ष की होगी शुरुआत। शहर होगा 125,000 दीपों से जगमग। यह बातें श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम सिंह ने कही। श्री सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार की रामनवमी में राम जन्म के साथ 9 वर्ष का स्वागत हम लोग छपरा शहर के साथ साथ गांव में भी करने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में राम के सभी चित्रण पर झांकियां निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी, जो अपने आप में मनोरम दृश्य होगा। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। हिंदू हृदय सम्राट भगवान श्री राम का जन्मोत्सव के अवसर पर नवरात्रि बसंतोत्सव पर हम राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के तरफ से शहर के तमाम, जिले के तमाम और राज्य और देश के तमाम हिंदुओं का हार्दिक अभिनंदन नवरात्रा के अवसर पर करते हुए हम लोग जिसमें करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय सम्राट भगवान श्री राम की झांकी, श्री हनुमान जी की झांकी, साथ ही साथ 25 तरह की झांकियां बैंड और डीजे के साथ लाखों की संख्या हम लोग तेरे को इस शहर का नगर परिक्रमा करेंगे और यह बताने का काम करेंगे कि जिस सारण ने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से राम का जन्म कराया और भगवान श्री राम को अहिल्या उठाए के बाद यही सारण उन्हें भगवान राम की पदवी दिलाया इस विश्व मानस में, उनका हम लोग अब नवरात्रा के सफर 125,000 दीपों के साथ स्वागत करते हुए हिंदू नववर्ष आयोजन करेंगे। तो कल से हम लोग का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। कल शहर के इस नगर निगम क्षेत्र के तमाम पूजा समितियों के अखाड़ा पाठी जो अपना गतका और अन्य शस्त्रों का प्रदर्शन करेगी, फिर 6 तारीख को प्रातः 7 बजे श्री राम और श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और सुबह से दुर्गा सप्तशती पाठ, रामचरित मानस का नवाह पाठ और साथ ही साथ दिन में प्रवचन और संध्या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक दिन बाहर से आए कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक आधार पर होने वाला है। साथ ही साथ भगवान और श्री राम जी की प्रतिमा का पूजा 9 दिन चलेगा और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रोज चलेगा 12 तारीख तक और 12 तारीख शुक्रवार नमक नारायण चौधरी राय के घर होते पुनः गांधी चौक, मौना चौक, साना रोड, कचहरी स्टेशन, नगर पालिका चौक, रामलीला मठिया होते भगवान जहाँ चौक, गुदरी राजेंद्र कॉलेज मोड़ से घूमते हुए गुदरी बाजार, बुट्टी मोड़, कटरा धमनाथ मंदिर और नई बाजार होते हुए पुनः स्थान पर हम लोग आए। महाभंडारा का आयोजन किए हैं प्रभु इच्छा तक सुबह 10 बजे से जब तक चलता रहेगा अनवरत महाभंडारा चलेगा और 13 तारीख को भव्य शोभा यात्रा इस शहर में निकाला जाएगा जो शिव पार्वती मंदिर से कार्यालय होते हुए मामू चौक होते हुए पुनः शिव पार्वती मंदिर स्थान से होते हुए थाना चौक, साहेबगंज, सरकारी बाजार, पुरानी